वेलकम टू न्यू इंडिया, नए भारत में आपका स्वागत है। बिल्कुल सही सुना आपने, आज बड़ी इम्पॉर्टेंट एक खबर मिली है, हमें एहसास हुआ है दिल से, इस वजह से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आज मतलब आज की डेट में अगर आपको एक SMS सेंड करना है मोबाइल फ़ोन से, तो आपको एक SMS का चार्ज 129 रुपये पे करना होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, जी हाँ बिल्कुल, 28 जुलाई के बाद जो आपका अगस्त का महीना लगा है, इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये सारा सिस्टम जो है अब बदल रहा है। आप लोग भी जान लीजिए, आपको भी समझना चाहिए। आप कहोगे कि हम एक SMS क्यों भेजेंगे, हम तो WhatsApp में सब कुछ कर लेते हैं, दिखा देते हैं, देख लेते हैं, तो मैसेज काहे भेजेंगे। भैया सब कुछ WhatsApp से नहीं होता है, आप लोग डिजिटल इंडिया का प्रयोग करते हैं। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, UPI या Paytm कुछ भी यूज करते हैं इस तरह का, या किसी भी ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो ऐप जो है आपकी मोबाइल से एक SMS सेंड करके आपकी डिवाइस को वेरीफाई करता है। ऐसी स्थिति में अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल इनकमिंग कॉल के लिए रखा है, 49 रुपये का रिचार्ज करा करके या 48 का, अब ये भी बंद हो गया, अब 49 का रिचार्ज नहीं होगा किसी भी कंपनी में। एयरटेल ने तो सबसे पहले बंद किया, अभी सब बंद कर देंगे। अब 79 का रिचार्ज होगा, लेकिन थोड़ा रुकिए, 79 का रिचार्ज होगा तो इसमें आप कॉल कर सकते हो, जो भी पैसा मिलेगा, 60 पैसा पर मिनट कटेगा इसमें, मतलब सेकंड के हिसाब से, लेकिन इसमें आप कोई भी SMS नहीं सेंड कर पाओगे। यानी आप 79 का रिचार्ज करके अपना फ़ोन पे या गूगल पे का नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कम से कम 129 का रिचार्ज करना होगा। क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक भी मैसेज भेजना है तो 129 या इससे अधिक का रिचार्ज होना चाहिए। एक SMS भेजने का मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई भी UPI अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, किसी वेबसाइट या ऐप में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तब आपको 129 का रिचार्ज कराना ही होगा। ये समस्या उनके लिए होगी जिनको, जैसे मान लीजिए भाई 2 SIM यूज करता है, कोई एक पर्सनल है जिस पे कॉल वगैरह आती है, बैंकिंग से संबंधित काम है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के लिए है, और एक है जो सार्वजनिक है जिसपे कुल फ़ोन ऑन करता है, तो पर्सनल वाला नंबर भी अब आपको अनलिमिटेड रिचार्ज करना होगा, क्योंकि आपका बैंकिंग के काम भी नहीं होंगे, बैंकिंग के काम भी अब नहीं होंगे बिना अनलिमिटेड रिचार्ज के। ये सुन लीजिए, एक मिनट के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझिए। हमारा मेन बैलेंस 3 रुपये 67 पैसे लगभग, उसी को मैसेज जाना चाहिए, वापस आएगा, उससे भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो रिचार्ज किया 79, उसमें जो उसकी जो वैलिडिटी के अनुसार आपको जो है उस बैलेंस में कॉल, आपको जो है SMS की वैलिडिटी नहीं है, तो अब जो भी मैसेज जाएगा ओनली अनलिमिटेड ट्रांसफर जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अब कस्टमर को हर एक चीज के लिए अलग अलग रिचार्ज करना पड़ेगा, ये ना? कॉल के साथ, इंटरनेट के साथ यदि SMS सेवा तीनों का लाभ लेना चाहें तो 129 का लाभ ले पाएंगे, और SMS पैक बंद हो चुका तो कोई SMS पैक नहीं है। अच्छा, और जो 49 का रिचार्ज होता था पहले, वो भी बंद हो चुका ना? हाँ बिल्कुल, 29 जुलाई से बंद हो चुका। आप समझ गए ना? देखिए, हमें ये समस्या क्यों आई, क्योंकि अभी आपका स्टेट बैंक का जो UNO SBI का ऐप होता है, UNO SBI, वो बंद हो गया। मतलब किसी कारण से मोबाइल से हट गया, मैंने दोबारा से डाउनलोड किया, मैं उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहा था बार बार, वो SMS वेरिफिकेशन फेल बता रहा था, मैंने चेक किया तो मुझे लगा SMS नहीं जा रहा है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने जब इंक्वायरी किया तो इन्होंने ये बताया कि भैया कम से कम 129 का रिचार्ज करो तो आप UNO SBI को रजिस्टर करो। कि हमारे यहाँ दो अभी प्रेजेंट टाइम में एक्टिवेट है ब्रॉडबैंड, 3 ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो हमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम मोबाइल में रिचार्ज करें। फ़ोन कॉल के लिए आपका जो PVR स्टडी के नंबर आप देखते हो जो बोर्ड पे कुल दिखते हैं, वो सब अनलिमिटेड रिचार्ज रहते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, उनसे जाता है आता है। लेकिन जो हमारा पर्सनल नंबर है, वैसे तुम्हारी लाइफ में पर्सनल बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन एक मोबाइल नंबर है जो वो बैंकिंग से संबंधित है, तो उसमें केवल रिचार्ज हो जाता था, इनकमिंग रहती थी, कभी कभी घर वर का फ़ोन है कहीं कहीं का जाता था, बाकी कोई यूज नहीं होता था। लेकिन अब भैया उसको भी अनलिमिटेड रिचार्ज करना होगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी UPI यूज करना है, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर कुछ भी UPI यूज करना है, बैंकिंग से संबंधित कोई ऐप रखना है मोबाइल में, तो आपको अनलिमिटेड रिचार्ज करके रखना होगा वो वाला सिम जिसको आपने बैंक में जोड़ रखा है, या फिर आप जिस सिम का यूज करते हो उसको आपको करना होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आप सर्विस ऑपरेटर यूज करते हो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, जो भी, और क्या आप UPI यूज करते हो, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, या नहीं?
हाँ ये उनके लिए भी समस्या है भैया, हमारे घर पे भी मान लो हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन दादा दादी हैं, हाँ मम्मी पापा हैं जो ज़्यादा मोबाइल के बारे में नहीं जानते, पिछड़ी दुनिया में पैदा हुए थे, तो उनके लिए भी अभी तक क्या होता था, केवल इनकमिंग उनको चाहिए थी। भैया पिछली सरकार बहुत गंदी वाली जो थी, यहाँ बात करेंगे तो ये राजनीति हो जाएगी, उसमें तो इनकमिंग कॉल का कोई पैसा नहीं लगता था, लेकिन इसमें चलो ठीक है बहुत सारा चीज़ें अच्छा हुआ, इनकमिंग का 49 रुपये लगने लगा महीना में, 48-49 का रिचार्ज करो हर महीना फ़ोन आएगा, ठीक है। लेकिन अब तो थोड़ा और ओवर हो रहा है कि 49 बंद करके अब 79 हो गया, अब 79 का रिचार्ज नहीं करते हो तो इनकमिंग भी नहीं आएगी, हर महीना तुम्हें 80 रुपये देना होगा केवल फ़ोन सुनने के लिए। हाँ तो ये सारी जानकारी के पर्पज़ से एक प्रकार से वीडियो है, बस इतना ही समझ लो। और बाकी हाँ दर्द तो अंदर अंदर हो ही रहा है, वो तुम्हें भी होगा हमें भी होगा, जो नॉर्मल इंसान है जो केवल फ़ोन कॉल रिसीव करता था, कभी कभी एक दो फ़ोन कॉल कर लेता था, जिसका 10-20 रुपये में काम हो जाता था, उसको भी अब 100 रुपये खर्चा करने होंगे। फिलहाल आप लोग बताइएगा क्या आप UPI यूज करते हो, फ़ोनपे गूगल पे वगैरह, तो भैया अगर हाँ तो आप भी अभी इसको रिचार्ज करोगे, क्योंकि बहुत से लोग परेशान होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, वेरीफाई कर रहे होंगे, नहीं हो रहा होगा तो नहीं होगा। आप अभी ये जो मैंने खबर सुनाया है भारतीय एयरटेल की थी, आने वाले समय में सभी ऑपरेटर यही करेंगे, तो ठीक है, नया इंडिया है, नया भारत है, हम लोग भी नए भारत के निवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, नॉलेज वाला वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना।